शीर्षा जिला की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का भी स्वागत अभिनंदन, और अपने बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिनके मार्गदर्शन में हम सब ने काम करने का मौका मिला, ऐसे प्रोफेसर गणेशी लाल जी उपस्थित हैं। और जिला के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज जो सदस्यता अभियान को लेके सिरसा जिले की बैठक, ये हमारा संगठन पर्व और संगठन पर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करते हुए 2024 में फिर 6 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दोबारा से रिन्यू करने का काम और भारतीय जनता पार्टी में नए सदस्यों को सदस्य के रूप में मेंबर बनाने का अभियान पूरे देश में चला है। और 21 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश में भी, क्योंकि यहाँ विधानसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव के बाद 21 अक्टूबर से हरियाणा में भी यह अभियान चला है। आज की डेट में 10 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बने और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने, ये लक्ष्य हम सब ने रखा है। और उसके लिए एक टेलीफोन नंबर जारी किया है, 8800002024। इस नंबर से जो भी मिस कॉल करेगा और इस नंबर से डिजिटल माध्यम से जो एक बार मेंबर बन जाता है, वो टेलीफोन पर अपने आप सूचना उसको मिलती है कि आपकी सदस्यता हो चुकी है और आपकी सदस्यता संख्या इतनी है। इस प्रकार की भी जानकारी SMS के जरिए उस कार्यकर्ता को मिलती है और उसने अपना टेलीफोन नंबर डालने के बाद एक OTP आता है। OTP को भरने के बाद पूरा एक फॉर्मेट खुलता है, पूरा फार्म खुलता है और भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य बनता है उसकी पूरी जानकारी फोटो सहित और उसका पूरा एड्रेस, कौन सा जिला है, कौन सी विधानसभा है, कौन सा मंडल है, कौन सा बूथ है, पूरी जानकारी उस पर दर्ज होती है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य का रूप में बनता है। और रेफरल कोड के माध्यम से जो कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करता है उसका भी रेफरल कोड के माध्यम से उस कार्यकर्ता को उसके फोन में सूचना आती है। एक कार्यकर्ता जितने भी सदस्यों को जोड़ने का काम करेगा उसके टेलीफोन में भी पूरी जानकारी रहती है कि उसके माध्यम से कितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इस प्रकार की एक पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी का ये सदस्यता अभियान चला है और ये आने वाली 30 तारीख तक चलेगा। हमारा ये संगठन का पर्व है। इस सदस्यता को पूरा करने के बाद हमारा सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान चलेगा, फिर उसके बाद हमारे संगठन के चुनाव होंगे। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, हरियाणा प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और ये देश जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष का उत्सव मनाएं, ये देश विकसित राष्ट्र बने, इस प्रकार से देश को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार देश और प्रदेश में रहे, इस प्रकार की योजना और रचना हमने की है। मोहनलाल जी, आपके बुद्धिमता और कुशलता से BJP का तीसरी बार सरकार का गठन हुआ है, तो चर्चाएं हैं कि आपको राज्यसभा सांसद बनाया जा सकते हैं। ये चर्चाएं राजनीति में चलती रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं, किसको क्या जिम्मेवारी मिल जाए किसी को भी पता नहीं होता। बड़ोली जी, अभी नगर निकाय के भी चुनाव है, किस तरह की तैयारी है BJP? तो कब तक चुनाव है वो? भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन एक चुनाव को जैसे ही हम पूरा करते हैं हम दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। इस कार्य प्रणाली को पूरा देश जानता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन जो हमारा मूल मंत्र है उसके साथ हम काम करते हैं। आने वाले समय में जो भी नगर पालिकाओं के चुनाव हो, नगर परिषद के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो या कोई पंचायतों के हो, ब्लॉक समिति के हो, जिला परिषद के हो, जितने भी चुनाव होंगे ये जो हमारा सदस्यता अभियान चलेगा
इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए, इस प्रकार की हमारी योजना रचना ही बनी। अध्यक्ष जी, आप तैयारियां कर देते हैं, अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं, लेकिन जो वादे किए जाते हैं चुनाव के दौरान, चाहे वह हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात हो, सिरसा जिला की बात करें तो नशे को लेकर हो, इस तरीके के कई ऐसे वादे हैं जो पिछली सरकार में पूरे नहीं हो पाए, लेकिन क्या आने वाले समय में, क्योंकि एक विधानसभा सत्र लगभग पूरा हो चुका है, आने वाले समय में क्या जो वादे थे उन पर काम किए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा इस वर्ष 2024 का संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो रोहतक से जारी किया था उसको 100% लागू करने का काम करेंगे। और जो हमने उसमें वायदा किया था कि 24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम, हमारी सरकार का जैसे ही गठन हुआ उसी डेट में सभी बच्चों को पारदर्शिता के साथ बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम, उसके बाद जो हमने वायदा किया था किसानों के लिए, हमने वायदा किया था महिलाओं के लिए, हमने वायदा किया था बहुत सारे विकास के कामों को लेकर, जो 20 संकल्प हमने अपने वायदे में रखे थे उन सब को पूरा करने के लिए हमने काम किया है। और आपने देखा होगा जैसे ही पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई और हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था DSC समाज के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था उसको लागू करने का हमने तुरंत सबसे पहला काम किया था। और जो महिलाओं को 2100 रुपये देने की हमारी सरकार की योजना थी, आप देखेंगे अगले महीने ही एक बड़ा प्रोग्राम करके उसको भी हम लागू करने वाले हैं। और जो 100 दिन का एजेंडा हमारी सरकार ने सेट किया है, 100 दिन के अंदर 1000 से ज़्यादा विकास के काम प्रत्येक विधानसभा में जो होने हैं उनकी सूची और योजना तैयार कर ली गई है, उनका बजट अलाट हो चुका है और उन सब कामों को भी पूरा करते हुए हम तेज गति के साथ हरियाणा में विकास का काम हो, इस ओर हमारी नायब सैनी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार उस काम को पूरा करेगी। सर, चंडीगढ़ को लेकर BJP का क्या स्टैंड है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार चर्चा में रहा है, विधानसभा में भी इसका जिक्र हुआ है। ये हमने अपने चुनाव के समय भी ये बात कही थी और जब से 2014 से हमारी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं और उस 2019-24 के दौरान जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने जो योजना और रचना बनाई थी कि एक नए भवन का निर्माण हो, आज हरियाणा में 90 विधायक हैं और 90 विधायकों के बैठने की भी वहाँ बहुत थोड़ी जगह है, कम जगह है, उसको देखते हुए वहाँ आज हरियाणा विधानसभा में सिर्फ 2 कमेटी रूम हैं, सभी विधायकों के बैठने की व्यवस्था भी विधानसभा में नहीं है। आने वाली जो नई बिल्डिंग का निर्माण होगा सभी विधायकों को वहाँ बैठ कर काम करने की जगह मिले, इस प्रकार से एक पूरी व्यवस्था बने, क्योंकि देश विकसित राष्ट्र बनना है और विकसित राष्ट्र बनने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको करेगी। और ये जो नए सचिवालय का निर्माण, विधानसभा का निर्माण चंडीगढ़ में जो केंद्र सरकार ने जो जगह देने का काम किया है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, पंजाब से हरियाणा लगातार SYL की मांग कर रहा है, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक है, क्या समझ? ये जो आपने बहन जी प्रश्न किया है, ये मांग हमारी है कि SYL का पानी हरियाणा के किसान के खेत को मिले और इसके लिए हमने प्रयास किया है, हमारी सरकार ने अपना पक्ष रखा और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला जो है वो हरियाणा के पक्ष में दिया है। पंजाब सरकार ने उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करना है और जिस प्रकार की सरकार पंजाब के अंदर है वो आप सब जानते हैं, जिस प्रकार से वो झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, और आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे झूठी और भ्रष्ट पार्टी है, उनके नेता जिस प्रकार का बयानबाजी करते हैं और जो सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है वो उनके साथ मिलकर जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, ये स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं ने भी स्पष्ट करना चाहिए। जब चुनाव आता है तो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और आज जो जमीन हरियाणा को अलाट हुई है उस पर एक अच्छे भवन का निर्माण होगा। आप सबने पूर्व में देखा होगा जब लोकसभा भवन का निर्माण हुआ, नई संसद का निर्माण हुआ, तब भी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने उस काम का भी विरोध किया था, उसी प्रकार की मानसिकता के लोग यहाँ पंजाब के लिए भी इस प्रकार का विरोध दर्ज करा रहे हैं। भाजपा के संगठन का कब तक विस्तार होना है?
भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का पर्व चला हुआ है और जैसे ही हमारी साधारण सदस्यता पूरी होगी उसके बाद हमारी सक्रिय सदस्य बनने का अभियान चलेगा और जो सक्रिय सदस्य बनेंगे उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी में कोई ना कोई पद और जिम्मेवारी मिलती है। इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हमारा पहले बूथ की कमेटियों का गठन होगा, फिर हमारे मंडल की कमेटियों का होगा, फिर जिला की कमेटी का गठन होगा, फिर प्रदेश का होगा और फिर राष्ट्रीय स्तर पर हमारा होगा और अगले महीने में ये सारी प्रक्रिया पूरी होंगी। सर, बीजेपी एक जगह बूथ तक पहुंची हुई है लेकिन विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, जिनके संगठन नहीं बन रहा है पिछले काफी सालों से, क्या कहेंगे? हालांकि सांसद है कुमारी शैलजा, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए यह नुकसानदायक रहा है इलेक्शन में भी। ये तो कई नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो पार्टी अपने जिला का अध्यक्ष नहीं बना पाई और भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक की नियुक्ति की है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो सोच नीति और जो संस्कार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला है, ये जो देशभक्ति का संस्कार मिला, हम देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के मूल मंत्र के साथ काम करता है और उसी कड़ी में हम अपने संगठन का विस्तार भी करते हैं और अपने संगठन का नवीनीकरण भी करते हैं, नए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारियां भी देने का काम करते हैं और यही हमारे संगठन की खासियत है, यही हमारे पार्टी का गुण है। अब तक आपने कितने जिलों का भ्रमण कर लिया, बाकी कितने हैं? अभी आज ये 14वां जिला है और आज 16 जिले मेरे पूरे होंगे और आज के बाद 6 जिले बचेंगे, 22 के 22 जिलों का भ्रमण करने के बाद, प्रवास करने के बाद 22 जिलों की इसी प्रकार से बैठकें हुई हैं, उसके बाद 90 विधानसभाएं हैं, प्रत्येक विधानसभा में जाके इसी प्रकार से फिर दोबारा से जब सक्रिय सदस्य बनने का सिलसिला हमारा शुरू होगा उस समय प्रत्येक विधानसभा में फिर कार्यकर्ताओं के बीच में जाने वाला। 16 जिले आपने कवर किए हैं तो 16 जिले में जाए सी बात है, समस्याएं किस तरह की देखने को मिली है? ये हमारा संगठन का पर्व है और समस्याएं जिस प्रकार की भी कोई कार्यकर्ता लिख के देता है वो हम ले लेते हैं, उसको समस्या अलग अलग प्रकार की अलग अलग कार्यकर्ताओं की रहती है। सीएम साहब विकास के काम को लेके और प्रत्येक विधानसभा में जाने वाले हैं और प्रत्येक विधानसभा की जो 100 दिन के अंदर हमने विकास के काम करने हैं, 90 की 90 विधानसभाओं की सूची और योजना हमारी तैयार हो चुकी है, उसके लिए भी हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी सभी विधानसभाओं में इसी प्रकार से आने वाले हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।